नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हमारा आज का प्रकरण है कारक। तो आइए हम समझते हैं कि कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, कारक का कौन सा प्रकार किस बात का बोध कराता है और किस कारक का क्या चिन्ह होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कारक किसे कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य जो आपके सामने है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया और अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया और अन्य शब्दों के साथ इसका संज्ञा और सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया और अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध स्थापित करता है उसे क्या कहेंगे हम, उसे कारक कहेंगे। जैसे देखिए उदाहरण लिया है, संगीता गाती है। वाक्य में गाती क्या है, गाती क्रिया है और क्रिया की कर्ता यानी कि उसको करने वाली, गाने को गाना गाने वाली होने से संगीता क्या है, कारक यानी कि करने वाली। गाती है क्रिया को करने वाली यानी कि कर्ता कौन है, संगीता होने से यहाँ पे ये क्या है, कारक है। तो देखो संगीता का संबंध किससे स्थापित हुआ, क्रिया के साथ, कि संगीता गाती है। कौन गाती है, संगीता गाती है। तो गाती है संगीता क्या हो गई, संगीता यहाँ पे कारक हो गई। कौन सा कारक हो गई, कर्ता कारक यानी कि क्रिया को करने वाली। तो अब देखिए हम बात करते हैं कारक के भेद। तो मुख्य रूप से कारक 8 प्रकार के होते हैं किंतु अपेक्षाकृत 7 कारक व्यवहार में अपनाए जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं हम सबसे पहले कर्ता। कर्ता यानी कि क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाले का बोध होता है किसके माध्यम से, कर्ता कारक के माध्यम से। फिर है कर्म कारक। कर्म कारक यानी कि क्रिया के फल को भोगने वाले का बोध कराता है। कौन, कर्म कारक यानी कि क्रिया के फल का भोगता। फिर है करण कारक। तो करण कारक क्या है, क्रिया के होने में सहायक होने का बोध होता है कि क्रिया क्रिया के होने में सहायक साधन का बोध होता है यानी कि क्रिया किसके माध्यम से हुई, क्रिया के होने का साधन यानी कि क्या जरिया था क्रिया होने का उसका बोध कराता है यानी कि क्रिया के साधन का बोध कराता है। संप्रदान कारक, क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध होता है संप्रदान कारक से यानी कि क्रिया किसके लिए हुई, क्रिया का उद्देश्य क्या था, इसका प्रयोजन क्या था, इसका बोध कराने वाला संप्रदान कारक होता है। फिर है अपादान कारक, इसमें क्या होता है, क्रिया के स्थान परिवर्तन का बोध होता है। अपादान कारक में क्रिया का स्थान परिवर्तन, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब पत्ता गिर करके पेड़ से अलग हुआ यानी कि क्रिया हुई है किंतु क्या हुआ है, स्थान भी
कर्ता ने इनकी क्रिया को करने वाला, कर्ता ने कर्म को यानी कि क्रिया के फल को भोगने वाला। करण कारक से या के द्वारा, करण का करण कारक का चिन्ह क्या होगा सूचक चिन्ह से, वह कलम से लिखता है, के द्वारा पेन के द्वारा। संप्रदान कारक संप्रदान के लिए, देखें संप्रदान कारक में दो क्रियाएं रहती है, जैसे भिखारी के लिए भीख दी, दो दो कर्म रहते हैं इसके संप्रदान कारक के, एक तो भिखारी और दूसरा भीख, दो बातें हो गई इसमें, दो कर्म हो गए संप्रदान कारक में। फिर देखें अपादान कारक की बात, अपादान में भी इसका जो बक्सर होता है वो होता है इससे, पेड़ इसलिए पड़ता गया। संबंध कारक का के की रा रे रे ना मी ने, अधिकरण कारक में और पर संबोधन हे ओ अरे। तो इस प्रकार ये हो गए आपके आठ कारक और उनके परसर्ग चिन्ह। आइए अब हम बात करते हैं उदाहरण की, तो देखते हैं मैं एक ही उदाहरण लेती हूँ राधा और कृष्ण का, जिससे आपको सारे कारक अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जिसमें कौन सा कारक क्या मुक्त करवाता है, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, बिल्कुल ये आप अच्छे से समझ गए हैं। तो अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले कर्ता कारक के उदाहरण की। तो देखें राधा ने पीटा, राधा क्या हो गई, पीटा क्रिया है, राधा क्रिया को करने वाली है, और ने क्या है ये परसर्ग यानी कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है ने। फिर देखें कर्म कारक यानी कि क्रिया के फल को भोगने वाला, तो राधा ने कृष्ण को पीटा। आगे आपका परसर्ग कर्म कारक का, फिर देखें कर्म कारक पीटना क्रिया है, राधा करता है, कृष्ण कर्म है। अब देखिए साधन क्या है क्रिया का, तो राधा ने कृष्ण को बांसुरी से पीटा, ये आधा का प्रसन्न करणकार का से पीटा। अब देखिए बात करते हैं हम क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन की, में क्यों पीटा, संप्रदान कारक की बात करते हैं, क्यों पीटा, किसके लिए पीटा, राधा ने कृष्ण को गोलियों के लिए पीटा। फिर देखिए अपादान कारक गोपियों के लिए, आगे आपके परसर्ग चिन्ह आ गया इसका संप्रदान कारक के लिए, इसके लिए क्या उद्देश्य था क्रिया का, तो गोपियां थी इसका, गोपियों के लिए पीटा राधा ने कृष्ण को। फिर देखिए अपादान कारक क्रिया का स्थान परिवर्तन, कृष्ण ब्रज से चले गए, कृष्ण ब्रज से चले गए। आगे आप किसी ब्रज से अलग हुए हैं, ब्रज से चले गए हैं, क्रिया का स्थान परिवर्तन हो गया। फिर देखिए संबंध कारक संज्ञाओं और सर्वनामों के परस्पर संबंधों का बोध हुआ, तो कृष्ण राधा के मित्र के या सखा के। अब देखिए अधिकरण का क्रिया का स्थान, राधा ने कृष्ण को यमुना तट पर पीटा, पर आगे आपका अधिकरण का
और तो अच्छे तरीके से समझ गए हैं।